गाजीपुर से सीनियर संवाददाता दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के मनिहारी से है, जहां जखनिया विधानसभा के वर्तमान विधायक बेदी राम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आपको बता दें कि जब ठंड चरम सीमा पर है, लोग ठिठुर रहे हैं, ऐसे में जखनिया विधायक बेदी राम ने गरीब असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। कंबल पाकर लोग अपने विधायक की खूब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का कहना है कि पहले ऐसे विधायक हैं जो आम जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। है, खासकर मैं जो ध्यान दिया हूँ ज़्यादातर सड़क पर, जो हमारे विधानसभा की सड़कें हैं वो बहुत खराब थी, उसको मैंने शासन से, प्रशासन से, चाहे जहाँ से हो, सबसे मिल करके, चाहे मिनिस्टर हों चाहे मुख्यमंत्री हों, मैं मिल करके अपने क्षेत्र का काम करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये रोडें जो सड़कें हैं उसको मैं अच्छा से अच्छा जो है बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ की सड़कें अच्छी होती हैं वही क्षेत्र विकास करता है। और अभी मैंने जो है ट्रांसफार्मर का दिया है, ट्रांसफार्मर भी जल्द से जल्द लगाने के लिए कहें, जिन जिन लोगों की अप्लीकेशनें मेरे पास आई हैं उन लोगों का मैंने दे दिया है, उन लोगों का भी ये ट्रांसफार्मर लग जाएगा। विधायक जी, शादियाबाद चौराहे पे एक फाउंडेशन बनकर तैयार हुआ है जहाँ सोलर लाइट लगेगी, किसके द्वारा लाइट लगाई जा रही है? ये लाइट जो है विधायक मैं ही हूँ, तो मेरे द्वारा ही, मेरे निधि से ये जो चौराहे पर लाइट लग रही है। इसमें किसी का और, हाँ, किसी और लोग का तो रोल तो नहीं है ना विधायक? उसमें किसी का रोल नहीं है। अब कहे कि मैं लगवा रहा हूँ, तब जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं अपना नाम लिखवा के उस पर अपना फोटो चिपका दूंगा। आज मैं बता दिया, जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो हम उस पर अपना नाम भी लिखवा देंगे, अपना फोटो भी छपवा देंगे। जरूरी है ये चीज। धन्यवाद। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर के शहर थाना क्षेत्र के जनकपुरी बारूलाट में एक महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार की रात उसका